में लड़की को भगाने के आरोपी मौलवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिरोजाबाद में जहां पुलिस हिरासत में खड़ा यह युवक मुसब्बीन, जो कि छात्रों और छात्राओं को उर्दू और अरबी की तामील देता है, लेकिन इस मौलवी के उर्दू और अरबी के शिक्षक के चेहरे के पीछे खौफनाक चेहरा छुपाया और उस पर खौफनाक चेहरे ने एक दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया, वह भी उस छात्रा के साथ जिसे वो उर्दू और अरबी की तामील देता था। मौलवी मुसब्बीन खान छात्रा को घर पर अरबी और उर्दू की तामील देने जाता था, उससे उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और बहला फुसला कर भगा ले गए। जब छात्रा नहीं मिली तो पिता ने थाना रसूलपुर में मौलवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। वहीं पुलिस ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए मौलवी को गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया। पुलिस ने मौलवी मुसब्बीन खान के साथ उसके दो भाइयों के खिलाफ भी साजिश रचने को लेकर मुकदमा दर्ज किया है। अरविंद कुमार, फिरोजाबाद, समाचार 24। दिनांक 24 अगस्त को थाना रसूलपुर निवासी एक व्यक्ति के द्वारा थाने पर यह तहरीर दी गई कि उनकी बेटी को अरबी व उर्दू पढ़ाने वाले मौलवी द्वारा अपने भाइयों के सहयोग से उनकी बेटी को बहला फुसला करके भगा लिया गया है। तहरीर के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करके पात्रता की संरक्षण बनाने की सूचित की गई। मेडिकल रिपोर्ट और धारा 161 के बयानों के आधार पर सुसंगत धाराओं की वृद्धि करते हुए आरोपी को हिरासत में लेकर के चालान माननीय न्यायालय किया गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाइयाँ